अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मंडलायुक्त जनालिकर ने भेतिहाता स्थित आवास पर योग के विविध आयामों में योग किया। मंडलायुक्त को योग गुरु ने प्राणायाम आलोम विलोम सहित अन्य विधाओं के संबंध में जानकारी दी और योग कराया, जिसके संबंध में मंडलायुक्त ने बताया कि योग एक ऐसी विधा है जिसमें स्वस्थ मस्तिष्क के साथ ही शरीर भी स्वस्थ रहता है। ऐसे ऐसे पकड़ करके ऐसे खींचे, दोनों कंधे में जो तनाव है उसको दूर कर सके, ये पकड़ के कैसे खींचे, तो ये भुजाओं के लिए और आसन अभ्यास था। थोड़ा जोर जोर से हिलाइए, ढीला करें हाथ को जितना ढीला कर सके, कलाइयों को भी ऐसे ढीला करते हुए सांस लेके ऐसे लटकाए छोड़ते हुए वापस आए, गर्दन को पीछे छोड़ दीजिए। दिन भर आदमी झुक के कंप्यूटर के आगे कोई भी काम है करता है, पेन जिन्हें होता है बड़ा पीड़ा होता है, काला तक लगाना पड़ जाता है बहुत। इस जिन्हें गर्दन में दर्द होता है वो लोग बहुत राउंड घुमाने वाली क्रिया बहुत तेज में घुमाए, इसको धीरे धीरे। प्राणायाम में ये एक संजीवनी भूति है जो आपकी संजीवनी शक्ति को भी बढ़ा सकता है। तो प्राणायाम करते हैं, आजकल लोग बैलेंस ही खो बैठे हैं, थोड़ी देर में गुस्सा, थोड़ी देर में प्यार, कभी खुशी, कभी गम, ऐसा करिए कि कभी हानि लाभ या सब में बैलेंस हो। मेरे आंख बंद करके सीधा बैठ जाते का व्यायाम है, आप कर लें तो पूरा शरीर का कुछ व्यायाम हो जाए, कहीं सांस लगना पैर में, कहीं सुन होना, ऐसे उंगलियों को ऐसे चलाएं, पहले 10 उंगलियां, 10 उंगलियों को ऐसे आप चलाएं। और कभी कभी लोगों को लगता है कि हमारे पैर में दर्द है, उसके तमाम तेल लगाते हैं, ऐड आता है विज्ञापनों का, तमाम चीज को लगाइए, तेल घुटने में नहीं, एक ही दिन में शीर्षासन, वृश्चिक आसन, मयूरासन, हंसासन, ये सब लग जाए। तो ये प्राणायाम, इसको जब आप घुमाएंगे तो पैर के पंजों, पिंडलियों, एड़ियों, घुटनों सब ऐसे मुड़िए, फैले, ये पूरा घुटना मुड़े, दिन भर आदमी कुर्सी बैठता है पूरा घुटना मुड़ता नहीं है, पूरा ऐसे खींचे, यथासत खींचने का अभ्यास की, लगे कि हमें छत को छूना, ये उत्साह ऐसे फैला लें और अभ्यास करेंगे। प्रिय प्राणासन का सांस लेते हुए से जाए, सांस छोड़ते हुए बीच में आए, फिर सांस लेते हुए घर जाए, हाँ तो बिल्कुल सीधा किए, इसका नाम ही प्रिय प्राणासन है, सांस भरते हुए बिल्कुल आराम। एक काम पैसे खड़े थे वृक्षासन, बहुत ही साधारण आसनों को हमने सेलेक्ट किया है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी आसन आप करें तो बिल्कुल आराम से करें, क्योंकि आराम से जब करेंगे, आराम से धीरे धीरे पैर पर एक टांग पर खड़ा होना, जब आपके पैरों में पूरे शरीर का भार एक ही पैर पर डाल दीजिए, पेट को जब फुलाएंगे पचकाएंगे तो इससे आपको पेट की मांसपेशियां सुदृढ़ होंगी, पेट को पिचका करके रोका भी जा सकता है इसे बहुत ही। और नीचे से मलमूत्र के स्थान भी खींचिए, तो आदमी दिन भर बैठा है कुर्सी पे, सोफे पे, कपड़े पहना रहता तो भोजन लें, और अब ध्यान करेंगे अपने पेट पे, थोड़ा सा लगातार अभ्यास हो रहा, थोड़ा पीठ के बल लेट जाए, थोड़ा शवासन कर लें। शवासन में ऐसे दोनों पैर जितना योगा मैट है या इतना ही फैला लें, हथेलियां ऊपर खुली छोड़ दें, आंखें बंद कर लें। एक आसन ऐसा है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आसन है, 84 लाख आसनों में 84 छांटा गया, उसमें से एक आसन ये है।